साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा विलंब ज़रूर हुआ आने में। आप सब जान रहे हैं कि किस तरीके से पारिवारिक तौर पर जो एक क्षति पहुँची है। आज पहली बार ऐसा है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ, एक प्रेस वार्ता कर रहा हूँ और पापा उस वक्त साथ में नहीं है। नहीं तो मुझे याद है कि जब भी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कभी भी हम लोगों का इंटरेक्शन होता था तो या तो पापा उसे खुद टीवी पर देख रहे होते थे और या फिर जैसे ही मैं जाता था तो वो तुरंत पूछते थे कि अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या पूछा तुमने, क्या बोला। तो ये सारी बातें हैं, रह रहकर ऐसी चीज़ें दिमाग को कौंधती हैं, दिल को कौंधती हैं। सोचा नहीं था कि कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब पापा के बिना मैं इस तरीके से अकेला बाहर होऊंगा। पर ये हिम्मत भी फिर मुझे पापा ही देते हैं। हमेशा उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारी डगर सही है, तुम्हारी राह सही है तो अकेले चलने से कभी डरना मत। एक बात है जो हमेशा मेरा हिम्मत आज भी बढ़ाती है, पापा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। और जो पापा का सपना था और जो उनकी अंतिम इच्छा थी, आज उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। ये सोच बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया। लंबे समय से मैं और पापा मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसकी फाइनल रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे। मुझे याद है कि अस्पताल में भी, अपने आखिरी दिनों में भी, पापा ने इसमें बैठकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जहन में आई, उन पॉइंट्स को उन्होंने जुड़वाया, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ ठीक करने की ज़रूरत थी उनको बैठकर ठीक किया। इसके लिए जिस समिति का हम लोगों ने गठन किया, उस समिति के साथ निरंतर अस्पताल से भी पापा फ़ोन पर बात करते रहे, उनसे चर्चा करते रहे कि इसमें ये चीज़ को ऐसे करना चाहिए। उनका एक अपना सक्रिय राजनीति का, 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका अनुभव है। उस अनुभव का सारांश भी है ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट। इसमें बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिसका हम लोगों ने समाधान नहीं किया हो। मेरी राजनीति सकारात्मक राजनीति की मैं सोच रखता हूँ। युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जानकार हूँ और बिहारी हूँ, और एक ऐसा बिहारी जो देश और दुनिया भी घूमा हुआ है। बाकी प्रदेशों की तुलना में मेरा बिहार कहाँ है मैं जानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में या तो मैं रहा हूँ या मैंने काम किया है। और ये मेरे लिए चिंता का विषय रहा है। दुनिया का मापदंड अगर आप भूल जाएं, देश का ही मापदंड देखें, तो हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास के नए मापदंड तैयार कर रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग रोज नए पैरामीटर्स हम लोग हासिल कर रहे हैं, रोज नए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बिहार को देखें तो आज भी हमारा मापदंड इतना छोटा है विकास को लेकर। मैं नहीं मानता भैया कि नली गली बनाने से विकास होगा, और नली गली तो कब की बन गई होनी चाहिए थी। मैं नहीं मानता कि बाढ़ का पानी अगर आपके हर घर तक पहुंचे तो उसे हर घर नल जल योजना से उसको जोड़ा जा सके। ये तमाम चीज़ों का समाधान अभी तक हो जाना चाहिए था। आज अगले 5 साल का विजन क्या है हमारे मुख्यमंत्री जी का? विजन है कि हम हर खेत को हम बिजली पहुंचाएंगे। भैया ये बिजली अभी तक पहुंच गई होनी चाहिए थी। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, अभी तक ये प्राथमिकता पर होना चाहिए था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, ये प्राथमिकता पर हम लोग को लेकर चलना चाहिए था, ना कि 15 साल के बाद आप इन चीज़ों का जिक्र करें। पलायन हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप देखिएगा धीरे 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 करके देश, जहाँ एक तरफ हमारा युवा देश है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि भैया 70% आबादी भारत में ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा ही भारत का भविष्य है, युवा ही नई सोच लेकर आएंगे, युवा ही बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पर चिंता का विषय है युवाओं का पलायन।
जहाँ देश हमारा युवा है वहीं प्रदेश हमारा धीरे धीरे बुजुर्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होने लग गया है, रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विभिन्न और कारणों से हो, व्यवसाय के लिए हो, पर जितने भी युवा हैं वो हमारे प्रदेश से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर रोजगार कर रहे हैं या शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे लिए चिंता का विषय है और जब तक इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की हालत है, जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली है या जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब तक हम लोग हर सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे तब तक जो विकसित बिहार का हम लोग का सपना है शायद हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि एक लंबा समय बीत गया, लगभग पिछले तीन दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है, जिन्होंने इससे बांटो और शासन करो की राजनीति को अपनाया। जब कांग्रेस हम लोग को बांटते थे और हम लोग के ऊपर रूल करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां से आई थी और वही कार्य आज के मुख्यमंत्री हमारे करते हैं। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा और सबको वोट बैंक बनाया गया। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उसके बाद शुरू की गई कि भैया तुमको हम ये दे देंगे, तुमको मुफ्त में हम ये दे देंगे। बताइए जिस प्रधानमंत्री की सोच ये हो कि तुम्हारे परिवार में किसी की हत्या होगी तब तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, और वैसे सरकारी नौकरी को लेकर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया सरकारी नौकरी कहाँ कोई देता है, कौन से देश में ये परंपरा है कि वहाँ पे सरकारी नौकरी दी जाए। भाई क्यों नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, आज अगर हम लोग रोजगार की अगर अपेक्षा रखेंगे तो आपसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे, सरकारी नौकरी आप दे नहीं सकते। कारखानों को लेकर आपने हाथ खड़े कर लिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बोला कि लैंडलॉक्ड है हमारा एरिया, प्रदेश हमारा बिहार, भैया पंजाब भी ऐसे ही लैंडलॉक है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, और आंकड़े आप लोग निकाल कर देखिए, हजारों की संख्या में वहां पर कारखाने खुले हुए हैं, और हमारे यहाँ कारखाने नए खुलना तो बंद, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखिएगा कि कितने सैकड़ों जो चल रहे थे कारखाने वो बंद हुए। निरंतर मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सर सबसे पहले जितनी बंद मिले पड़ी है उसको हम लोग को खुलवाने का काम करना चाहिए, पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, कई ऐसे कारखाने, उसमें यंग आईटी प्रोफेशनल्स की टीम को आप हायर कीजिए और उन प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंशियली वायबल किया जाए उस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। नहीं, मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर ना रोजगार को लेकर, इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं, ताजुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी, छात्र आंदोलन से वो निकले थे, जेपी के दौर से वो निकले थे, और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन, छात्रों, युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता, हम लोग को कोई पीछे धकेलने का काम करता है तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, और उसी की सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। उसके कुछ प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जो मैं आप लोगों के मैं समक्ष रखना चाहता हूं कि किस सोच के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। मेरी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला मैं व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले 20 दिन पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से, बिना किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास की बात करें। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम 12 करोड़ बिहारियों के सिर्फ 20 दिन अपने लिए चाहता हूँ। इन 20 दिनों में ना सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आप समझें, बल्कि इस बात का भी आप लोग आकलन करें कि पिछले 30 साल
क्या जो दूसरे प्रदेशों को मिले वैसे ही हमारे प्रदेश को मिले? जहां दूसरे प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से आगे बढ़े, क्या हमारा प्रदेश वैसे आगे बढ़ पाया? ये 20 दिन हमारे आने वाले 50 साल को निर्धारित करेंगे। ये 20 दिन यहाँ से एक नई आधारशिला रखेंगे। और अगर कहीं गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री अगर पुनः अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, हमारा प्रदेश पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा, हमारा प्रदेश का युवा फिर से पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। मेरी आने वाली पीढ़ी, जितने युवा साथी हैं उनकी आने वाली पीढ़ी पुनः पलायन करने को मजबूर हो जाएगी। इसीलिए साथियों, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को हम लोग समझें। उसको आज मैं प्रदेश को जहाँ एक तरफ समर्पित कर रहा हूँ, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। पहले मैं चाहता हूँ कि इसका विमोचन करके हम लोग आपके समक्ष भी एक एक कॉपी दे दें। आइए। साथियों, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन क्या है वो मैं आप लोगों की जानकारी में मैं पहले दे दूं। इसके कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में हो और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जनता तक वो पहुंचे। इसमें पहले पन्ने पे जो इस विजन डॉक्यूमेंट का सारांश मैंने तैयार किया, मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ, पापा क्या सोचते थे बिहार को लेकर, ये तमाम बातें। और मुझे लगता है कि पापा का एक आखिरी लेख, पापा ने बिहार के बारे में, मेरे बारे में, इसके आखिरी पन्ने पर अगर आप देखेंगे तो पापा क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच थी, उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। साथियों, इसके दो चार जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं बताता हूँ। जहाँ इसकी शुरुआत मैंने इस लाइन से की है कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है, और ये हम सबका अभिमान रहा है। बिहार, बिहार पे देश गौरव करता था। हम लोग प्राचीन काल में जब कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ का जब जिक्र होता था, पुराने ज़माने में जब तक्षशिला की बात होती थी, तो वहीं बिहार पे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे। पढ़ा लिखा हमारा प्रदेश, सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर्स देने वाला हमारा प्रदेश, एक ऐसा समय जहाँ देश विदेश से लोग नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने के लिए। और वहीं आज आप देखिए शिक्षा की क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा हर बीतते दिन के साथ बदहाल परिस्थिति में है। मेरे लिए भैया ये आज की भी तारीख में चिंता का कारण है कि क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। कोरोना में अगर आप देखें, लॉकडाउन के समय आप देखें, जिस तरीके से कोटा में बच्चे परेशान हो रहे थे, उनकी चिंताएं थी, घर वापस आना चाहते थे, पर मेरी चिंता थी कि आज भी क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्यों इस तरीके की व्यवस्था हम लोग पटना में नहीं करते। आप कोटा का अगर आप देखें, वहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के जो मालिक हैं वो बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान की। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं दे सकते, क्यों इस तरीके की एजुकेशनल हब हम लोग बिहार में नहीं बना सकते। आप शिक्षकों की हालत देखिए यहाँ पे किस बदहाल परिस्थिति में है, और हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने जिस तरीके से देखा शिक्षकों का आक्रोश सड़क पर आया हुआ था। भाई, शिक्षा को, शिक्षकों को हम लोगों ने भगवान से बढ़कर दर्जा दिया, गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया। सबसे पहले अगर भगवान और शिक्षक सामने हो, आप भगवान के, आप गुरु के, अपने शिक्षक के आप चरण आप छूते हैं।
वही आपकी नींव तैयार करते हैं, वही आने वाले समय का भविष्य, बिहार का भविष्य, युवाओं का भविष्य की वो नींव रखते हैं। और आज वही शिक्षक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लाठी खाते हैं, सड़क पर धरना करते हैं और उसके बाद उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई नहीं। और उनकी मांग क्या, जायज मांग कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। कौन इस बात को गलत कह सकता है? अगर दो व्यक्ति हैं एक ही तरीके का काम कर रहे हैं तो एक की तनख्वाह आप दुगनी से तिगुनी करोगे और दूसरे की सैलरी आधे से भी कम रखेंगे, ये कहाँ का न्याय है, ये किस तरीके की सोच है? और उसके बाद जब वो अपने हकों के लिए वो लड़ते हैं तो आप उनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, आप उनको अपमानित करते हैं, आप उनको बेइज्जत करते हैं। तो ये शिक्षा को लेकर जब तक हम लोग यहाँ की सिस्टम को नहीं बदलेंगे, बेहतर शिक्षा प्रणाली को हम लोग लागू नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और ये तमाम तरीके की व्यवस्था आप लोग जब इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम तरीकों की इन प्रावधानों का हम लोगों ने जिक्र किया कि कैसे हर दो एक जिले पे हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मैं खुद पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, पढ़ा लिखा 21वीं सदी का लड़का हूँ और मैं जानता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप जागरूक नहीं होंगे, आप जागरूक नहीं होंगे आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना ज़रूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना ज़रूरी है जो शिक्षा आपको देगी। तो इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से शिक्षा ज़रूरी है। वहीं अगर आप स्वास्थ्य की अगर आप बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आज के हालात है, आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए, किस जर्जर हालत में है हमारे वहाँ के अस्पताल। और अस्पताल तो दूर की बात, वहाँ पर आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। रात बेरात आप सब लोग गवाह हैं, आप लोग के परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिहार के किसी ना किसी प्रखंड के किसी ना किसी पंचायत के किसी ना किसी गांव में आज भी होगा और आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। रात बेरात अगर किसी को तकलीफ आ जाए, किसी को कोई कठिनाई आ जाए तो उसके पास कोई जगह नहीं होती जाने की। सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते ये प्रश्न उठना चाहिए। सैंक्शन पोस्ट होती हैं डॉक्टर्स की, सैंक्शन पोस्ट जिसके लिए बजट पहले से अधिकृत होता है, बजट उसके लिए एलोकेट होता है और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते। महिला चिकित्सकों की ना के बराबर उपलब्धि होती है, अवेलेबल होते हैं। किसी भी प्रखंड में आप चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर आप चले जाइए, महिला डॉक्टर्स नहीं होती। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं प्रसव के दौरान उनको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है कोई लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से, या उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं होने के कारण। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर बीपी तक को जांचने की मशीन नहीं है, उसके लिए आपके पास उपकरण मौजूद नहीं है। क्यों हालात हैं हमारे प्रदेश के ऐसे, ये सवाल उठने चाहिए। और अगले 20 दिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये सवाल हर बिहारी पूछे, हर बिहारी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे कि क्यों हमारा प्रदेश अभी तक विकसित नहीं हुआ। हर बिहारी इस सवाल को पूछे कि भैया पिछले 5 साल में आपने क्या किया। हमारे मुख्यमंत्री फरेब का जाल बुनना चाहते हैं जब वो 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं। भैया उनके 15 साल खराब थे इसीलिए वो पिछले 15 साल से वो सरकार में नहीं है, पर आज जवाबदेही आपकी बनती है, इस 15 साल आप हैं सरकार में। 15 साल कम समय नहीं होता है साथियों। 15 साल में कोई अगर उस वक्त 2-3-4 साल का लड़का होगा, आज वो पहली बार अपना वोट करने जा रहा होगा, पहली बार उसको मतदान का हक मिल रहा होगा, मतदान करेगा, मत प्रयोग करेगा अपना। और वो जो 15 साल का जो लड़का जो इन 15 सालों में 18 साल का हुआ है, उस लड़के ने सिर्फ आपके 15 साल देखे। उसको नहीं पता भैया कि जिसको आप जंगलराज कहते हैं, जिसको आप कोसते नहीं थकते, पर 2015 में फिर भी आप उन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, पर उस लड़के को वो पिछले 15 साल नहीं पता। उसने देखे तो सिर्फ आपके 15 साल देखे। आप बताइए कि आपने इन 15 सालों में क्या किया, और जब ये निर्णायक 5 साल आए उसमें बताइए कि खास तौर पर आपने क्या किया। मैं चाहूँगा कि आप तमाम पत्रकार साथी, मीडिया के साथी जाएं और मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। आप पूछ कर बताएं उनसे कि पिछले 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है। भूल जाइए 15 साल में आपने क्या किया। आप क्या गिनाते हैं, साइकिल योजना की हमने शुरुआत की। भैया कब किए थे आप साइकिल योजना की शुरुआत? इन 5 सालों का जिक्र कीजिए ना कि इन 5 सालों में आपने क्या किया। सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, सारी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को गिनाएंगे, आप अपनी योजना बताइए ना। सड़क आपने दी, बिजली आपने दी, बिजली की योजना दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली पहुंची, सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है।
और उसके बाद आप श्रेय लेते हैं कि भैया बिजली पहुंचाई आपने। केंद्र सरकार, ये वही केंद्र सरकार, ये वही प्रधानमंत्री जिनका आप हाथ छटक कर आप अलग चले गए थे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए। इन्हीं प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष का नेता बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दावेदार आप 2014 में बनना चाहते थे। इन्हीं को निमंत्रण देकर आपने इनके हाथ से थाली छीनी और आज इन्हीं की योजनाओं को गिना रहे हैं। पर अगर कोई कहता है कि आप प्रधानमंत्री जी की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो इनको तकलीफ होती है कि भैया क्यों। जिन प्रधानमंत्री को वो देखना नहीं चाहते थे आज अपने सत्ता के लालच में उनके साथ हर मंच वो साझा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके पिछले 5 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर पुनः अगर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री के पिछले 6-6.5 साल के कार्यकाल को गिनाकर ही आप पुनः सत्ता में वापस आ सकते हैं। और यही मुख्यमंत्री करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के ही कार्यों को आप कर दिखाने का कार्य कर, उन्हीं के कार्यों को आप गिनाने का काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप मुझे बताइए क्या किया आपने हमारे प्रदेश के लिए। लॉकडाउन में जो माइग्रेंट, जो मजदूरों की हालत हुई, हमारे प्रवासी मजदूरों की, किस बदहाल परिस्थिति में हमारे बिहारी साथी अपने प्रदेश आए, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर वो हमारे प्रदेश पहुंचे। आपने उनको गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कराई। दुहाई दी आपने कि भैया लॉकडाउन है, दुहाई दी आपने कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है। अरे भैया संसाधन की कमी है तो संसाधन बढ़े हमारे प्रदेश का उसके लिए आपने क्या किया, राजस्व बढ़े, रेवेन्यू बढ़े हमारे प्रदेश का उसके लिए आपने क्या किया। क्या संसाधन इतने आपके कमजोर थे कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे थे उनके लिए कुछ सैकड़ों बसेस की आप उपलब्धि नहीं करा सकते थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया, और आप निरंतर दुहाई किस बात की दे रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लॉकडाउन है, किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री का, शर्मनाक बयान। और उसके बाद भावुक होकर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि अरे उन्हें हम प्रवासी नहीं बुलाते, उन्हें हम प्रवासी नहीं मानते। अरे आपके मानने नहीं मानने से क्या होगा मुख्यमंत्री जी, प्रवासी हैं वो। प्रवासी नहीं होते तो आज अपने घर परिवार वालों के साथ रह रहे होते, अपने गांव में अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी के साथ रह रहे होते, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर रहे होते और अपना भविष्य बिहार में रहकर बना रहे होते, ना कि दूसरे प्रदेश में रह रहे होते प्रवासियों की तरह। और बोलते हैं कि हम उनको प्रवासी नहीं मानते, आपके मानने से क्या होगा, प्रवासियों की जिंदगी जी रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों में। कभी आपने सोचा कि किस बदहाल स्थिति में हमारे बिहारी रह रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी का एक मैटर था, उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि वो नेशनल चैनल का वो मुद्दा बना, न्यूज में आया, पर वो सिर्फ एक विषय था। ऐसे सैकड़ों बिहारी हैं जिनकी किस परिस्थिति में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारते गुजारते खुद गुजर चुके हैं, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को नहीं। मैं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा एक उदाहरण बने, एक पैरामीटर बने आने वाले समय में, ताकि दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों को इस बात का विश्वास हो कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे साथ है। पर सुशांत सिंह राजपूत जी के मैटर में भी जब तक मुख्यमंत्री ने, जब तक उनके परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई तब तक इन्होंने यहाँ से कोई पहल नहीं की। उस वक्त उन्होंने एक शब्द बोलना, हफ्तों बीत गए थे, मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो सोचिए आज अगर कोई मजदूर दूसरे प्रदेश में, उसकी जान अगर ऐसे ही जाती है, उसका निधन ऐसे ही होता है, तो क्या मुख्यमंत्री उस पर बोलेंगे, क्या उनको जानकारी होगी, नहीं जानकारी होगी। लॉकडाउन के दौरान मैंने पूछा था मुख्यमंत्री से कि आप मुझे आंकड़े बताइए कि कितने बिहारी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने, गुजरात में कितने, कर्नाटका में कितने, तमिलनाडु में कितने, आंकड़े नहीं है इनके पास। हम लोगों ने बात की है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में, कि अलग से एक प्रवासी मंत्रालय का हम लोग गठन करेंगे, एक मंत्री की जिम्मेदारी होगी पूरी तरीके से, जिसका काम सिर्फ ये होगा कि दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उसका संरक्षण करें, जैसे हम लोग का विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, ताकि दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देता है, उनके साथ रहता है, उनके दुख सुख में उनका ख्याल रखता है। पर एक तो आपने बिहारियों को अपने प्रदेश में रहने नहीं दिया और दूसरे प्रदेशों में मरने के लिए आपने छोड़ दिया, चिंता तक नहीं की, कभी दोबारा उनकी सुध नहीं पूछी। लॉकडाउन के समय वो कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सामाजिक दूरी की बात तो ये प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनकर दोहराते रहे, पर देखिए दूसरे प्रदेशों में एक एक छोटे से कमरे में 15-15, 16-16, 20-20 बिहारी रहने को मजबूर हैं। कैसे सामाजिक दूरी का पालन होगा वहाँ पर? और उसके बाद मुख्यमंत्री हमारे खामोश। यहाँ पर जब हमारे नेता, मेरे नेता, मेरे अभिभावक, मेरे पिताजी रामविलास पासवान जी, जब उन्होंने निरंतर कोरोना काल में निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री से बात कर हो, उप मुख्यमंत्री से बात कर हो, यहाँ के अधिकारियों से बात कर हो, ताकि किसी को राशन की कमी यहाँ पर नहीं हो,
पापा दिन रात लगे रहे, उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करते थे। लगभग 15 लाख के करीब लाभार्थियों की सूची पेंडिंग थी जो बिहार सरकार ने 2014 से नहीं दी थी। उसके लिए पापा निरंतर प्रयासरत रहे कि जो लाभार्थी हैं कम से कम उनका नाम तो खाद्य सुरक्षा कानून के साथ जुड़े, ताकि उनको तो इस योजना का लाभ हो, ताकि उनके पास राशन पहुंचे। पर मुख्यमंत्री के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। मुख्यमंत्री एकदम खामोश, और उसके बाद कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। भैया सब केंद्र सरकार की योजना। पापा ने ना सिर्फ राशन बिहार तक पहुंचवाने का काम किया, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया था कि उनके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। देश में आप देख लीजिए, कहीं पर जहाज के माध्यम से, कहीं पर अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में पानी के जहाज के माध्यम से हो, हवाई मार्ग के माध्यम से हो, सड़क मार्ग के माध्यम से हो, पहाड़ी इलाकों में घोड़ों के माध्यम से हो, उन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया। दुख सुख की घड़ी में जो आपके साथ खड़ा होता है, सही मायनों में वो आपका नेतृत्व करने का हकदार होता है। हमारे मुख्यमंत्री ना लॉकडाउन में, ना जल जमाव में, ना बाढ़ के समय, क्यों हमारे प्रदेश को, भैया आपके रहते हुए 15 साल में आप बताइए ना कि प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी, उसके लिए आपने क्या किया? आज मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पर आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि अगले साल बरसात में जून जुलाई अगस्त का महीना देखिएगा, पुनः वैसे ही बाढ़ आएगी जैसे पिछले 15 साल से आ रही है। क्या सबक लिया आपने कोसी के बाढ़ से? क्या सबक लिया हर साल जब बाढ़ आती है? इनको मैंने निरंतर मैंने जानकारी दी, सुझाव दिए कि भैया नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बिहार का भूगोल ऐसा है कि आधा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है, आधा इलाका सुखाड़ प्रभावित रहता है। हम लोग को कैनल्स बनाने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कैनाल बना के आप ऐसे इलाकों में पानी को डाइवर्ट कीजिए, वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर पानी कम होता है, जहाँ पर सुखाड़ का इलाका है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। पर इन तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री एकदम खामोश। आप मुझे बताइए ना, राजस्व की कमी, संसाधन की कमी की दुहाई मुख्यमंत्री देते हैं। ये तमाम जितनी बातें कर रहा हूँ, नदियों को जोड़ने का जिक्र हो, तमाम ये विषय जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इन तमाम का जिक्र मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में मैंने किया। संसाधनों की कमी है, हम लोग को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि विशेष राज का दर्जा हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। मैं हूँ इनके साथ, मैं इनका समर्थन करता हूं जब ये बोलते हैं कि विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। पर आप मुझे बताइए कि पिछले 15 सालों में बिहार का राजस्व बढ़े उसके लिए आपने क्या किया? यहां पर आईटी सेक्टर्स आए, आईटी जॉब आए, उसके लिए आपने क्या किया? आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट बुलाया था? मुझे नहीं याद। जब तक आप निवेशकों को यहां पर बुलाएंगे नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देंगे, तब तक निवेशक यहां पर निवेश कैसे करेगा? जितने भी निवेशक हैं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है जब तक वो कहीं से क्लियरेंस ले पाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम देश भर में हमारे प्रधानमंत्री लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, FDI के माध्यम से हो, विभिन्न और माध्यमों से हो। पर हमारे मुख्यमंत्री बिहार में कैसे निवेश हो उसके लिए उनको चिंता ही नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स लंबे समय से हम लोग के यहाँ नहीं दिए गए हैं। किस तरीके से ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी कारखानों के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है, और उस पर कोई बात भी नहीं करता, चिंता की विषय है। मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते? बिहार उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, पर अनंत संभावनाओं के बाद भी हमारा प्रदेश अनंत समस्याओं से ही घिरा हुआ। क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग टूरिज्म को बढ़ा सकते? रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर एक तरफ सीतामढ़ी है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, अनंत संभावनाएं हैं जिसको आप रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर आप विकसित कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो क्यों दूसरी तरफ हम लोग सीतामढ़ी में माता सीता के उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जाते मिलते हमारे प्रधानमंत्री से और बोलते कि एक कॉरिडोर बनाया जाए, जो अयोध्या में दर्शन के लिए जाए सीधा माता सीता के दर्शन करने सीतामढ़ी पहुँचे? भगवान महावीर की जन्मस्थली है लछवाड़ जो मेरा भी कर्म क्षेत्र है, मेरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। कितनी बार मैंने मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि सर लछवाड़ को हम लोग को विकसित करना चाहिए, यहाँ पर भगवान महावीर के जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर निवेश करना चाहते हैं, इसको एडुकेशनल स्पॉट बनाना चाहते हैं। पर किसी तरीके के कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। और उसके बाद जब इन विषयों को मैंने उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने मुझसे ही संवादहीनता साध ली। ना उन्होंने मेरा फ़ोन उठाते थे, ना मेरे पत्रों का कोई जवाब। भाई पूछिए ना मुझसे, सड़क मार्ग से अगर मैं गया हूँ, पहली बार एक लंबे समय के बाद कोई ऐसा नेता है जो कि सरकार का अंग था वो सड़क मार्ग से निकला। आखिरी बार मुख्यमंत्री कब सड़क मार्ग से निकले मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं। और सड़क मार्ग से भी जब वो निकलते हैं
तो पूरा रूट उनके लिए लगाया जाता है। जैसे पुराने जमानों में राजाओं महाराजाओं के लिए व्यवस्था की जाती थी, दोनों तरफ खुशहाली दिखाई जाती थी, खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे सामने रखे जाते थे ताकि राजा को लगे कि मेरी प्रजा बड़ी सुखी है, बहुत अच्छे से रह रही है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री जब निकलते हैं तो रूट लगा दिया जाता है, कूड़ा करकट होता है। कई चैनल्स ने वो विजुअल दिखाए, जब एक योजना के पुल के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री गए थे तो कपड़े से ढक दिया गया था कूड़ा करकट को, क्यों? ताकि मुख्यमंत्री को लगे कि भैया नहीं, बहुत साफ सफाई है, एकदम स्वच्छता अभियान हमारे प्रदेश में अच्छे से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को हमारे प्रदेश पे जिस तरीके से हावी कर दिया, अफसर राज यहाँ पर लेकर आ गए, जनसंवाद इनका बंद हो गया, नेताओं पे इनका विश्वास नहीं है, सिर्फ अधिकारी हमारे प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और अधिकारी जिनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, वो अपने मन मुताबिक जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। दिल पे हाथ रख के कोई एक व्यक्ति बोल दे कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एक बिहारी इस बात को बोल दे, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। एक बिहारी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है, आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी को आप मेडल बना के अपने सीने से लगाए हुए, 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। नली गली के काम जाकर देखिए कैसे अधर में लटके हुए हैं। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता, उसके लिए राजस्व भी तैयार करना होता है, उसके लिए उसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, और उसके बाद इनके इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते हुए हमारे पुल टूट जाते हैं, पुल धराशायी हो जाते हैं। बताइए, अभी तक उस पर यातायात शुरू नहीं हुआ, पुल टूटने लग गए। तो जब तक कागज पे ये अधिकारियों के साथ बैठकर ये सारी चीजें करते रहेंगे, हमारा प्रदेश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। जनता के बीच जाइए मुख्यमंत्री जी, छोड़िए रणखटोलों को, छोड़िए हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से निकलिए जनता के बीच में। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से जा रहा है, मेरी पार्टी के तमाम बाकी के नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे, प्रचार करेंगे। समय कम है, इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिकल होके भी काम करने की जरूरत है। प्रचार में समय कम है, मेरे तमाम नेता जाएंगे हेलीकॉप्टर से, पर चिराग पासवान सड़क मार्ग से जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री एक बार तो निकले सड़क मार्ग से बिना रूट लगाए हुए, जनता के बीच जाएं। बोलते हैं कि भैया पटना के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने में 4 घंटे में, 4.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। भाई आप जाके दिखाइए, यहाँ से गोपालगंज जाके दिखाइए, यहाँ से सीमांचल के इलाके में सड़क की हालत देखिए कैसी है, जिसको आप गिना रहे हैं आप जाकर देखिए। एक दिन में भी अगर आप पहुँच गए तो जो आप कहेंगे मैं हारने को तैयार हूँ। इस बदहाल स्थिति में आप हमारे प्रदेश को ले आए हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि भैया हमने तो इतना विकास किया, कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं है, कुछ लोग तो जानता ही नहीं है, कुछ लोग तो पढ़ता ही नहीं है। भाई पढ़ते हैं हम लोग, युवा मूर्ख नहीं है बिहार का, जो आप दिखाना चाहते हैं। बार बार युवाओं को लेकर आप बोलते हैं कि भैया अनुभवहीन है, पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है। नहीं है भैया, बिहार के युवा अनुभवहीन, जानकार हैं, जागरूक हैं। मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के लालचन लगाइए, मत हम लोग के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाइए। हम जानते हैं कि आपकी युवा विरोधी सोच है, पर आज की तारीख में जो बिहार का युवा है वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानता है, जागरूक है। पूछता है हमारा युवा कि क्यों हमारी डिग्री 6-6 साल में कंप्लीट नहीं होती, दीजिए जवाब, दीजिए मुख्यमंत्री जवाब। जब हमारे छात्र पूछते हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6-6 साल तक क्यों चलता है, दीजिए ना। क्यों आप उनको डिग्री नहीं देते हैं? इसीलिए नहीं देते हैं कि भैया इसको डिग्री मिल गई तो कल को रोजगार मांगेगा, रोजगार कहाँ से देंगे, रोजगार तो है नहीं हमारे पास देने के लिए। तो रोजगार नहीं मांगे तो तुमको हम डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद जब वो बोलेगा तो बोलेंगे अरे पहले डिग्री तो लाओ, पढ़ोगे तब ना रोजगार मिलेगा, तो पढ़ेगा कैसे, डिग्री नहीं मिलेगी। तो एकदम विशेष सर्कल बना दिए हैं, भंवर बना दिए हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, समस्या भी वही, समाधान भी वही, समस्या फिर वही। तो जहाँ से आप शुरू करते हैं घुमा फिरा के वहीं पहुँच जाते हैं। 30 साल पहले जिस विकास की सोच के साथ विपक्ष ने शुरुआत की थी, आज सत्ताधारी फिर वहीं पर पहुँचे हुए, मिला क्या हम लोग को, कुछ नहीं। इसीलिए साथियों आप लोगों से आग्रह करता हूँ, 20 साल 30 साल दिए हैं पिछले बिहार ने विश्वास कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर, विभिन्न राजनीतिक नेताओं पर 20 साल दिए हैं, और उन्होंने सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बनाया, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुख्यमंत्री ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया, अति पिछड़ा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया, महादलित वोट बैंक उन्होंने तैयार किया। भैया उसके बाद किया क्या बताइए तो, क्या अति पिछड़ा समुदाय जुड़ गया मुख्यधारा के साथ, क्या महादलित जुड़ गया मुख्यधारा के साथ, सब खुशहाल हो गए, सब समृद्धि आ गई, यहाँ पे कोई बिहारी अब दुखी नहीं है। भाई वोट बैंक बनाने से नहीं होता,
हाथ में जब तक आप उनके इनकम नहीं देंगे, जब तक आप उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके हाथ को ताकत नहीं देंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश की नहीं बढ़ेगी, तब तक कोई विकास नहीं होगा। जातियों में बांटने का आप काम करते हैं, सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर जाने की आपको बात करनी चाहिए। चिराग पासवान बोलता है, धर्म ना जात करे सबकी बात, और मैं हूँ चिराग के साथ। मेरा मानना है कि अगर भारत में अगर कोई एक जाति है, और बिहार में खास तौर पर अगर एक जाति है, तो वो सिर्फ गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या सारे अपर कास्ट के लोग यहाँ पे संपन्न है, खुश है, खुशहाल है? क्या गरीबी सिर्फ दलितों में है? क्या सिर्फ दलितों के यहाँ हत्या होती है? तो आपने जो नौकरी का जो आप लोगों ने लालच दिखाया, क्यों भैया सिर्फ हत्या होने के बाद नौकरी मिलेगी? जीते जी किसी को नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। और क्या मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि हत्या होगी, क्या इससे अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा? किस तरीके से घटना घटी बक्सर में, दीजिए उसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के कौन जिम्मेदारी ले रहा है? कौन सा ऐसा दिन है जब हमारे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं नेशनल चैनल्स की सुर्खियां नहीं बनती? जितने नेशनल चैनल्स के यहाँ पे आईडी पड़े, आप मुझे बताइए कि कौन से बीते दिन हैं जब नेशनल चैनल में सुर्खियां नहीं बना बिहार का अपराध? बिहार की छवि खराब कर दी आपने। और बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी, भैया बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, पर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? और वहां जाकर हम पर लाठियां चलाई जाती हैं, हमें गालियां दी जाती हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण कर बैठे रहते हैं। भाई एक शब्द तो बोलिए बिहारियों के बारे में जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। वहां पर उनको गाली देने के लिए बिहारी शब्द बोल दिया जाता है। ए बिहारी कहां जा रहे, बिहारी रे बिहारी। अरे भैया बिहारी मेरा सम्मान है, और आपने उसको गाली बना दिया। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, बिहारवासी बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी इनको पता है कि शब्द को गाली बनाए। भाई बोलिए ना कि हम बिहारी हैं। मैं घर से हरबंस से बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ। किसी पंजाब के आदमी को तो मैंने नहीं देखा कि उसको अपने आप को पंजाबी बुलाने में उसको तकलीफ होती हो। या महाराष्ट्र के लोग तो घर से बोलते हैं कि भैया हम मराठी हैं। बंगाल के लोग बोलते हैं हम बंगाली हैं। पर बिहार के लोगों का नाम आता है बिहारवासी। क्यों? क्योंकि बिहारी शब्द नहीं बोलेंगे। आप मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल, हर एक जगह मैंने अपने नाम के सामने युवा बिहारी जोड़ा है। मेरे ट्वीट देख लीजिए। मुझे ताजुब हुआ जब मैं ओपन लेटर्स जब मैंने लिखने शुरू किए, जब मैंने ट्वीट्स में जब मैंने बिहारी लिखना शुरू किया, मेरे कार्यालय के कुछ साथियों ने आके कहा कि भैया बिहारी नहीं, बिहार वासियों के लिए हम लोग ये योजना लाए, ऐसा लिख देते हैं। क्यों भैया, क्यों बिहारी नाम हम नहीं बोलेंगे? क्यों बिहारी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी की ही लड़ाई है मेरी, बिहारी अस्मिता की लड़ाई, बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई। मैं चाहता हूं कि देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में गर्व से जाके हर बिहारी बोले कि मैं बिहारी हूं। पर वो तभी होगा जब नेशनल चैनल में बिहार का अपराध सुर्खियां नहीं बने, जब नेशनल चैनल में बिहार के टूटते हुए पुल, बिहार का धराशायी होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सुर्खियां नहीं बने, यहां के विकास के कार्य जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, यहां के विकास के नए नए मापदंड जब तक सुर्खियां नहीं बनेंगे, बिहार को दूसरे प्रदेश सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे, और वो खोए हुए सम्मान को वापस लाना मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से मैं आग्रह करने आया हूँ, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को समर्पित किया है, इसमें हर बिंदु पर मैंने चर्चा की है। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, पूछिए ना कि क्यों इन्हीं के नेताओं इनके मंत्रियों को दिल्ली जाना पड़ता है भैया इलाज के लिए। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जिस तरीके से मंत्री विनोद जी का दिल्ली में निधन हुआ, मेरी तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि, उनको संवेदना। पर क्यों अपने आखिर के दिनों में दिल्ली के मेदांता में वो अपना इलाज करा रहे थे? क्यों रघुवंश बाव दिल्ली के आखिरी के दिनों में दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे थे? क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं है? कोरोना में आप सबके पास नाम होंगे, बताइए कितने लोग हैं जो कोरोना में अपना इलाज कराने, मुख्यमंत्री के विधायक, मुख्यमंत्री के विधान पार्षद, मुख्यमंत्री के नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब जब बीमार पड़े कोरोना में दिल्ली का इलाज कराने क्यों गए भैया दिल्ली? क्यों ये व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है? इन सवालों का पहले जवाब दें मुख्यमंत्री। हम तो सिर्फ सेवा करना जानते हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं, हमारा तो लक्ष्य ही बिहार का विकास करना है। भाई बोलने से नहीं ना होगा मुख्यमंत्री जी, करके आपको दिखाना होगा। दिखाएं हमारे मुख्यमंत्री जो विकास किया आप नारे लगाते नहीं थकते, कहाँ किया? दूसरे पन्ने पर हम लोगों ने शिक्षा की बात की, शिक्षा की जानकारी मैंने आप लोगों की दी, उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को उद्योग लगाने की जरूरत है, रोजगार पलायन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से रोजगार के लिए लोगों का पलायन होता है, और कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस देकर हम लोग यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं।
नारी सशक्तिकरण। भैया शराबबंदी एक बात कर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हमने भैया नारी को सशक्त कर दिया। भाई शराबबंदी से नारी कैसे सशक्त हो गई? घरेलू हिंसा शायद घटी होगी मैं मानता हूँ, बट उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने 50% का हम लोगों ने उनको पंचायत स्तर पर आरक्षण दे दिया, उनको हम आगे लाकर दे रहे हैं। भाई नारी उत्पीड़न के लिए आप बताइए ना आपने क्या किया? बिहार में महिलाओं को सुरक्षा मिले उसके लिए आपने क्या किया? आप चले जाइए बिहार के किसी भी जिले में, जिला मुख्यालय को छोड़कर आप मुझे बताइए कि बिहार के कौन से जिले में प्रखंड स्तर पर महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं। भाई महिलाएं नहीं कंफर्टेबल होती हैं, वो नहीं अपने आप को सहज महसूस करती हैं, उनके साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई घटना घटती है तो पुरुष पुलिसकर्मी के पास जाए। वो चाहती है कि महिला पुलिसकर्मी हो ताकि अपनी सहजता से अपनी बातों को रखें। कोई प्रखंड में कोई महिला है उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 100, 150, 200 किलोमीटर वो चलकर जाएगी मुख्यालय, जिला मुख्यालय, और वहां पर जाकर अपनी बातों को कहेगी? क्यों नहीं हर प्रखंड स्तर पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होती है, महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होती है? क्यों नहीं महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को आप फास्ट ट्रैक को आप सौंपते हैं ताकि जल्द से जल्द उसका समाधान हो? ये तमाम प्रावधान हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने रखे हैं। किसान को लेकर जिस तरीके की समस्या है, हर खेत में हम बिजली पहुंचा रहे हैं। भैया तो अभी तक क्या कर रहे थे किसी प्रधान प्रदेश में? आप प्राथमिकता होनी चाहिए थी किसानों का उत्थान, यहाँ पर उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करके देना, उनको बिजली उपलब्ध करा के देना। बाकी प्रदेशों में देखिए निःशुल्क कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर किसानों को बिजली मिलती, और आप तो अभी तक उनको बिजली पहुँचाने की आप लोग बात कर रहे हैं, वो आप लोग नहीं अभी तक पहुँचा पाए। बाढ़ सुखाड़ का मैंने आपसे जिक्र किया, आवासीय योजना बंगला योजना के तहत हम लोग इसको लेकर आने का हम लोगों ने वादा किया है। इसमें हम लोगों ने समाज के एक ऐसे वर्ग का भी जिक्र किया है जिसकी कोई बात नहीं करता, तम समाज का तीसरा वर्ग, मेल फीमेल, उसके बाद जो थर्ड जो जेंडर होता है, ट्रांसजेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं, किन्नर समाज के लोग जो होते हैं उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता, पर हकीकत है वो भी हमारे समाज की हिस्सा है। किन्नर समाज के लोग भी हमारे समाज का, उनको भी हम लोग को मुख्य धारा के साथ जुड़ना है, उनको भी बेहतर व्यवसाय मिले। शर्म आती है मुझे, दुख होता है मुझे जब इस समाज के लोगों को मैं सड़क पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए देखता हूँ, और जब हम लोग को इनसे आशीर्वाद लेना होता है तो इनको हम लोग इतना शुभ मानते हैं कि भैया इनके कही हुई बात सच होगी, पर उसके बाद उनको हम लोग सड़क पर छोड़ देते हैं मांगने के लिए। उस तक का मैंने जिक्र किया कि उनको हम लोग सम्मान की जिंदगी देंगे, उनको हम लोग बंगला के साथ हम लोग जोड़ने का देंगे। हम लोगों ने हथुआ विधानसभा, हम लोग की एक विधानसभा है, वहाँ से इस समाज के एक व्यक्ति को मैंने यहाँ से चुनाव लड़ने का, मुन्ना किन्नर करके हैं, उनको मैंने ये सम्मान दिया, उनको मैंने मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। मीडिया जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, मीडिया के जो साथी हैं, आप लोगों के लिए भी विभिन्न प्रावधानों के साथ मैं जानता हूँ कि आप लोग किस स्थिति में रहते हैं। बंगला योजना के तहत आप लोगों को, और बंगला योजना क्या है, जैसे महाडा है, जैसे दूसरे प्रदेशों में आप चले जाइए सस्ती दरों पर घर मिलते हैं। भाई पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग जो सही मायनों में हम लोग की आवाज़ है, बिहारियों की आवाज़ है, किस बदहाल परिस्थिति में रहते हैं। जिला पे आप चले जाइए पत्रकारों की हालत देखिए कैसी है, और पापा भी हमेशा से चिंतित रहे पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। मुझे गर्व होता है कि भैया जब मैं आज इस बात को याद करता हूँ कि पत्रकारों के लिए उन्होंने, रेल मंत्री जब वो थे, रेलवे पास की उन्होंने व्यवस्था उन्होंने करा के दी, जिला स्तर के पत्रकारों के लिए उन्होंने ये व्यवस्था करा के दी, TAC का मेंबर पत्रकारों को उन्होंने बताया जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। तो हम लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग का भी उसी तरीके से हम लोगों ने ध्यान रखा। कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मुझसे जिस बात को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि मैंने नालंदा में ही मैंने ये सवाल उठाया था कि भैया 100 नंबर क्यों नहीं काम करता। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि 100 नंबर पुलिस का नंबर, भैया जब आपका 100 नंबर ही काम नहीं करेगा तो अपराधियों के प्रति, अपराधियों के मन में खौफ कैसे आएगा, डर कैसे आएगा? भाई हर किसी के पास DMSP का नंबर नहीं होता ना। आज अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करे तो मैं तुरंत 100 नंबर चलाऊंगा, 100 नंबर काम ही नहीं करता। भाई 100 नंबर का काम करना ज़रूरी है ताकि अपराधियों में डर हो। 10 मिनट के भीतर पुलिस का पहुंचना वहां ज़रूरी है ताकि अपराध को अंजाम दे रहे हुए व्यक्ति के अंदर ये डर हो कि भैया फ़ोन कर दिया इसने, तुरंत पुलिस आ जाएगी। यहाँ तो जो विक्टिम है वो फ़ोन ही करता रह जाएगा, फ़ोन ही नहीं लगेगा, तो पुलिस के आने की तो बात ही दूर है, और इसीलिए अपराध हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को शासन अधिकारी राज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हावी हो गया, सब चीज़ें अधिकारियों के हाथ में, और अधिकारियों की क्योंकि जवाबदेही नहीं होती है, 5 साल के बाद नेताओं को जाना होता है, अधिकारियों को नहीं। एक बार आप अधिकारी बन गए भैया 50 साल उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी वो अलग,
इसीलिए अधिकारी काम करे नहीं करे उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाना जरूरी है। भाई लोक जनशक्ति पार्टी जब सरकार में हम लोग आएंगे, हर उस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा जिन्होंने अपने रहते हुए अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया, जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं पहुंचा पाए, हर उस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। शासन को लेकर हम लोगों ने इन बिंदुओं की चर्चा की। वहीं साहित्य सांस्कृतिक युवा के खेल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कितने युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई से हटकर खेल कूद में अपनी दिलचस्पी रखते हैं। भैया क्यों बिहार में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम नहीं आ सकता, जमीन की कमी है क्या यहाँ पर? क्यों हम लोग एक अच्छा स्टेडियम हम लोग यहाँ पर तैयार करके नहीं दे सकते? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब देश के बाकी कोनों में अगर स्टेडियम्स बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे? पर्यटन परिवहन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिलीजियस टूरिज्म के साथ किस तरीके से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। अंत के पन्नों में मैंने पापा जी जो हमेशा कहते थे पापा कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, आज भी कई ऐसे घर हैं जिनको रोशन करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक हैं, कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक उनको, उन्हीं का अंश उन्हीं के संस्कार है मुझ में। शायद ये उनकी दूरदर्शिता ही थी कि वो जिस घर में दिया जलाना चाहते हैं अपने बेटे का नाम ही उन्होंने बचपन में चिराग रखा, और मैं उस लक्ष्य के साथ निकला हूँ कि आज भी हर वो घर जो अंधेरे में है उस घर को मैं रोशन करने निकला, पापा के उस सपने को मैं रोशन करने निकला। और आज ईमानदारी से मैं बताता हूँ, जो मैं कहता हूँ कि भैया वो लड़ रहे हैं बिहार पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाश करने के लिए। मेरी लड़ाई है बिहार पर नाश करने की। आप सब जानते हैं ईमानदारी से, मैं जिस गठबंधन के साथ था, एनडीए के साथ था, उस गठबंधन में अगर मैं रहता तो जितनी सीटें हम लोग को लड़ने के लिए दी जाती लोकसभा की तर्ज पर 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का फिर रहता, जितनी सीटें लड़ते उतनी ही हम लोग शायद जीतते। इस सरकार में हम लोग का प्रतिनिधित्व भी शायद बेहतर होता पिछली बार के मुकाबले। रेड कार्पेट बिछा हुआ था पर संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना। बिहार पे राज करना होता तो मौजूदा गठबंधन के साथ मैं जाता, पर बिहार पे नाश करने की मेरी लड़ाई है, इसीलिए मैं संघर्ष के रास्ते पर मैं निकला। और मेरा संघर्ष तब तक कायम रहेगा जब तक मैं बिहार का खोया हुआ अस्मिता, जब तक मैं बिहार का खोया हुआ सम्मान, जब तक मैं बिहार की खोए हुए गर्व को मैं वापस नहीं लेकर आऊँ। और इस लड़ाई में मैं आप सबका मैं साथ चाहता हूं, आप सबका मैं सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिहारी अपने 20 दिन मुझे दे दें, अगले 20 दिन सिर्फ बिहार की सोच रखें, विकास की सोच कर रखें, मूल्यांकन करें, आकलन करें, हर प्रत्याशी से पूछें कि भैया तुमने पिछले 5 साल क्या किया। जमुई के लोकसभा के चुनाव आप देख लीजिए, चिराग पासवान जब 2019 में गया इसी तरीके की बुकलेट मैं छपा कर गया था। मेडिकल कॉलेज की बात हो, केंद्रीय विद्यालय खुलवाने की बात हो, लगभग 3,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाओं की बात हो, FCI के गोदाम वहां पर खुलवाने की बात हो, कौन सी ऐसी चीज है जिसका मैंने जिक्र वहां पर नहीं किया हो और सिर्फ अपने विकास और विकास के कार्यों को लेकर मैं जनता के बीच गया। वैसे ही मैं चाहता हूं कि हर बिहारी अपने प्रत्याशियों से पूछे, जदयू के जब प्रत्याशी उनके पास है पूछे कि भैया आपने 5 साल क्या किया पिछले, हिसाब दीजिए आप क्यों बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ। ये जवाब देना होगा और ये जवाब मुख्यमंत्री को भी देना होगा कि पिछले 5 साल आपने क्या किया। फरेब से आप 15 साल तक मुख्यमंत्री बनते आए पर अब मुख्यमंत्री का बनना असंभव है। इसीलिए मेरी टैगलाइन एक जो हैशटैग भी हम लोगों ने शुरू किया है, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश। उनके रहते हुए बिहार का विकास भी असंभव है और जागरूक बिहारियों के रहते हुए मुख्यमंत्री का दोबारा मुख्यमंत्री बनना भी असंभव है।